सबसे पहले अधिवेशन में मैंने 27 जून को अपने मंत्री महोदय अश्विनी वैष्णव जो मंत्री महोदय उनको मैंने लेटर दिया था, क्योंकि चुनाव के समय पूरे मतदार संघ में जो जो प्रश्न है उसकी मालूमात लेके जो भी बड़े प्रश्न है उनके निवेदन मैंने संबंधित मंत्री महोदय जी को दिए हैं। उसमें अपने जो रेलवे मंत्री है अश्विनी कुमार, तो उनको मैंने जो लेटर दिया उसमें मैंने लिखा था कि मनमाड़ धुलिया इंदौर रेलवे जो है उसका भूमि पूजन अपने पंतप्रधान मोदी साहब जी ने 10 साल पहले किया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट प्रलंबित है, इसका आगे चल के कुछ भी हुआ नहीं। मैंने धुलिया कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग ली, वहाँ पे भुसावल के रेलवे अधिकारी जो है वो भी आए थे, उनको भी हमने बोला है, लेकिन आने वाले बजट सेशन में इस प्रोजेक्ट के लिए आप निधि मंजूर कर लो और ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसमें मतदार संघ के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी। तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे और आने वाले जो अधिवेशन है बजट का उसमें हम ये बजट रखेंगे। और एक पत्र मैंने दिया था कि धुलिया पूना रेलवे ये चालू थी लेकिन कोविड के टाइम से वो बंद है, तो वो फिर से शुरू करने के लिए भी मैंने लेटर दिया था। उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुत सारे काम चालू है और 4-6 महीने में इसका भी हम सोचेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जो लेटर दिया उसके बारे में उन्होंने कल 2 तारीख को अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में जो मनमाड़ धुलिया इंदौर रेलवे जो है उसके लिए 18,036 करोड़ रुपए की तरतूद उन्होंने की है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश के 4 ज़िले और महाराष्ट्र के 2 ज़िले इसमें है, एक धुलिया और एक नासिक ज़िला। और ये काम जो है वो ये जो मतदार संघ के जो हमारे सभी मतदार है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 2028 या 2029 में ये काम पूरा होगा। लगभग 304 किलोमीटर की लाइन होने वाली है और बहुत सारे जो रोजगार है उनको भी काम मिलेगा। मैं तहे दिल से मेरी धुलिया मतदार संघ की तरफ से मैं अश्विनी साहब का बहुत बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। भाई नीलेश राणे हमेशा दो समाज में लड़ाई हो इस तरह के भाषण देते रहते हैं, एक विशिष्ट समाज को लेकर एक काफ़ी भड़काऊ टिप्पणी उन्होंने की, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा है कि सर्वधर्म समभाव कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी का नारा है और इसमें पर्टिकुलर एक समाज को टारगेट करना ये बहुत ही गलत बात है। हमारे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन जो भाई है वो भाईचारा से रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि देश में अमन रहने के लिए सभी नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं ने प्रयास करना चाहिए। मैडम, महाराष्ट्र सरकार नीतीश राणे को लेकर कभी एक्शन में मोड़ पर नहीं है, देखिए इससे पहले भी कई भड़काऊ भाषण उन्होंने दिए लेकिन उन पर एक्शन नहीं लेते, आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें खुली छूट दी है? नहीं, अभी ऐसा है कि उन्होंने उनको बुला के उनको समझ देनी चाहिए और आगे चल के राणे साहब ने ऐसा नहीं करना चाहिए। मालेगांव से भी कुछ कोशिश रेलवे लाइन पे, मालेगांव के लिए हमें टेक्सटाइल पार्क तो करना है और मालेगांव जिले की भी मांगनी है, तो अभी तो मालेगांव में जो अपना हाईवे है
उसको सर्विस रोड का हमने लेटर दिया है और जो और उसका सर्वे भी चालू है और जल्द से जल्द वो मंजूर होने वाला है। अपने मंत्री महोदय नितिश जी गडकरी साहब जो है तो उनको मालेगांव का ये लेटर दिया है, उन्होंने कबूल किया है कि हम जरूर करेंगे। और जो सौंदाना टेरा और मुंगसा वहाँ पे भी चालीस गाँव चौफुली वहाँ पे भी और कुसुम्बा बाईपास भी होने वाला है, वहाँ पे भी एक तो उड्डान पुल का उनको दिया है, एक तो उड्डान पुल होगा नहीं तो फिर वहाँ पे अंडरपास होगा। दुलिया में आपका संपर्क कार्यालय बन गया, उस पर इतना हो गया, तो मालेगांव शहर में आप कब तक तामीर करेंगे? नहीं, मालेगांव शहर में जो है सिटी और ग्रामीण के लिए हम जगह देख रहे हैं और जल्द से जल्द हमें ऑफिस शुरू करना है।